हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राई टू टेक्निकल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि 2022 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है? वो है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग। गाइस, तो जब भी हम कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्या बोलता है? दिस कॉल नाउ बी रिकॉर्डेड, दिस कॉल नाउ बी एंडेड, दिस कॉल नाउ बी रिकॉर्डेड, इस टाइप से एक मैसेज आता है। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं कोई भी रैंडमली नंबर यहाँ पे डायल कर देता हूँ, ये मैंने स्पीकर ऑन कर दिया। अब जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, तो होता क्या है, जब भी हम रिकॉर्डिंग करने के लिए रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो क्या होता है कि एक मैसेज जाता है, आपकी तरफ भी आता है वो मैसेज, दिस कॉल नाउ बी रिकॉर्डेड, और जिसके पास आपने कॉल की है उसके पास भी वो मैसेज जाता है, दिस कॉल नाउ बी रिकॉर्डेड। यानी सामने वाले को पता लग जाता है कि ये कॉल आपकी रिकॉर्ड की जा रही है, जो भी वो बात करना चाहता है तो उसमें वो सतर्क हो जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, कैसे रिकॉर्ड करें सामने वाली कॉल को बिना उसके पता चले? तो आइए इस वीडियो में यही देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो गाइज, जैसे कि आपको पता होगा कि पहले जितने भी फोन आते थे, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वो वीवो हो, चाहे वो वन प्लस हो, चाहे वो एमआई हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो रियलमी हो, कोई सा भी ब्रांड हो, सभी जो ब्रांड है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग इनबिल्ट दे रहे थे अपने फोन में, जिससे आप बिना सामने वाले को बताए उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि अब एज पर अगर बात करें एंड्रॉइड 12 की, तो वहां पे क्या है, जैसे ही आप रिकॉर्डिंग पे ऑन करते हो, रिकॉर्डिंग फीचर है उसके अंदर, लेकिन जैसे ही टैप करते हो रिकॉर्डिंग पे, तो वो क्या बोलता है, दिस कॉल नाउ बी रिकॉर्डेड, जो मैसेज आपकी तरफ भी जाता है और सामने वाले की तरफ भी जाता है। तो इस मैसेज को बंद करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप नहीं करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया है। तो चलते हैं फोन की स्क्रीन पे और समझते हैं कि कैसे आपको जो कॉल रिकॉर्डिंग का जो अनाउंसमेंट है, जो सामने वाले की तरफ जाता है और जो अपनी तरफ भी आता है, उसको कैसे बंद करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है फोन के प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको TTSLEXX ना, यानी के ये वाली जो एप्लीकेशन है वो आपको सर्च करनी है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से ही ये डाउनलोड करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं ये वाली जो एप्लीकेशन है यहाँ पे TTSLEXX, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल है बिल्कुल, आपको ये फिर ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से आपके पास कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है प्रिफर्ड इंजन, लैंग्वेजेस, स्पीच रेट, पिच रेट। आपको इनको किसी को नहीं छेड़ना, आपको सिर्फ जाना है ये प्रिफर्ड इंजन के अंदर, इस पर आपको टैप करना है। सेटिंग आइकन जो बन के आ रहा है, किसी किसी में आई बटन टाइप का भी बन के आता है, तो वहाँ पे भी आप टैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टैप करने के बाद, जैसे आप देख रहे हैं स्पीच सर्विस बाई गूगल, इसको आपको बदल के क्या करना है, TTSLEXX पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, TTSLEXX ऐप को अनेबल कर दिया है फोन के अंदर। अब मुझे बैक चले जाना है। अब मुझे सिंपल डायल पैड, जो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डायल पैड, इस पे मुझे लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फो पे जाना है। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, आपको लॉन्ग प्रेस करना है डायलर पे और ऐप इन्फो के अंदर जाना है, और यहाँ पे है स्टोरेज का ऑप्शन। स्टोरेज के ऑप्शन पे जाके आपको जो करना है वो क्लियर कैश मेमोरी करना है। क्लियर कैश मेमोरी करने के बाद आपको करना है क्लियर डेटा, क्लियर ऑल डेटा। ओके, क्लियर ऑल डेटा क्लिक कर दिया। आप देखें कैश मेमोरी जो है वो भी जीरो हो चुकी है और यूजर डाटा भी वो भी जीरो हो चुका है। ठीक है गाइज, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा स्टेप फॉलो करते हैं, वापस से कॉल करके देखते हैं क्या जो अनाउंसमेंट था वो बंद हुआ या नहीं। जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं फोन में, तो क्या होता है कि जब भी हम कोई कॉल करते हैं तो कॉल की आवाज नहीं आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो उसको बंद कर दिया है। अब हम रेंडमली डायल करके देखते हैं दोबारा से कोई भी नंबर। मैंने खोल लिया डायल पैड को और वापस से मैं 198 जो एक नंबर है वही दोबारा से मिला कर देखता हूँ। तो देखता हूँ अब की बार क्या बताता है। ये मैंने कॉल की, ये मैंने कर दिया इसके। एक बार इसने बोला दिस कॉल नाउ बी रिकॉर्डेड एंडिंग, अभी मैंने ऑन नहीं करी है रिकॉर्डिंग, अब मैं ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने के लिए, आप देख सकते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने के लिए बोल रहा है
स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दी, मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन उसने कोई अनाउंसमेंट नहीं दिया। तो आप देख सकते हो ये मैंने बंद करी, बंद करने पर उसने कुछ नहीं बताया है। दोबारा से मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, नहीं बोला। दोबारा से मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ, नहीं बोली। अब आप बिना सामने वाले को बताए उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो, किस ऐप की सहायता से? TTSLEXX, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहां पे मेंशन कर दिया है ऐप का नाम, और आप गूगल प्ले स्टोर पे भी जाकर इसको सर्च करके डाउनलोड करके जो जो मैंने स्टेप बताए हैं उसे फॉलो करने के बाद आप ऑटोमेटिक कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं। गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी कमाल की ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।